वेलकम बैक. हम बैठे हुए हैं हबीब फिदाली साहब के साथ एंड वी हैविंग अ वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन एंड आई हैव अ फ्यू मोर क्वेश्चंस लेफ्ट, सो लेट्स गेट आंसर्स टू दोस क्वेश्चंस. हबीब, आई लाइक टू नो कि अगर कोई शख्स आर्किटेक्ट बनना चाहे इस मुल्क में, तो वॉट इज हिज और हर फ्यूचर इन द प्रोफेशन इन पाकिस्तान? अतिका, बहुत अच्छा सवाल है ये. वी नीड आर्किटेक्ट्स. वी आर अ नेशन ऑफ 150 मिलियन और आर्किटेक्ट्स हमारे गिनती के हैं अभी भी देखा जाए तो. वी नीड लॉट एंड लॉट ऑफ आर्किटेक्ट्स. उसके लिए हमारी स्कूलें हैं पाकिस्तान में, लाहौर में है, कराची में है, हैदराबाद में है, एंड नाउ आई बिलीव देयर इज वन गोइंग टू बी इन इस्लामाबाद. स्पेसिफिकली आर्किटेक्चुरल स्कूल्स हैं? दे आर आर्किटेक्चुरल स्कूल्स. दे आर इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर. जैसे इंडस वैली स्कूल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर लाहौर में है, नेशनल कॉलेज बड़ी मशहूर है और बड़े अच्छे अच्छे लोग वहाँ से निकले हैं. एक हमारे अभी दोस्त ने कहा नई अली दादा, जिनका घर बनाया है उन्होंने, वो बड़े मशहूर हैं. आगा खान अवार्ड उनको मिला है. मतलब है कि बहुत फ्यूचर है. अच्छा. मगर बच्चे आग बंद करके आर्किटेक्चर में ना जाएं, बिकॉज वो फिर जाते हैं मायूस हो जाते हैं, 3 साल पढ़ते हैं. इट्स अ वेरी क्या कहते हैं, डेडिकेटेड प्रोफेशन. फील टू गो इनटू वेरी डेडिकेटेड प्रोफेशन. वो दे शुड बी रेडी फॉर इट. उनकी जो पढ़ाई है 5 साल की होती है मिनिमम, फिर 2 साल होती है इफ यू वांट टू गो फॉर योर मास्टर्स और व्हाट नॉट. तो मतलब है कि 7 साल रखने चाहिए इसके लिए. एंड यू हैव टू बी वेरी ओपन अबाउट इट. ठीक. स्पेशली पेरेंट्स को, क्योंकि पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ के निकलेगा और वो लाखों की सैलरी अर्न करेगा, वो मुमकिन नहीं है. टाइम लगता है. Exactly. लेकिन हर प्रोफेशन में टाइम लगता है. आई थिंक टू बिल्ड अ नेम. मगर आजकल यू नो पीपल आर सो क्या कहते हैं, मनी माइंडेड, यू नो दे आर, वी आर रियली. एंड वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ के निकले और उनको यू नो 50,000 का जॉब मिल जाए. Yeah. वो मुमकिन नहीं है. लेकिन ये बात आ जाती ना हमेशा कि आपका अगर एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट, इफ यू आर पैशनेट अबाउट व्हाट यू डूइंग इन योर लाइफ, तो द मनी कम्स एनीवे. इट कम्स एनीवे एंड इट विल कम, यू नो. एंड इफ यू आर गुड, इट विल कम विद एनी प्रोफेशन, यू नो, भोली भर के आएंगे. मगर ये है कि एक उसके लिए वो चाहिए, जज्बा चाहिए. मगर हर चीज के लिए होता है, मगर आर्किटेक्चर के ज्यादा ही होता है. You have to be interested because it's a creative profession, you know. आपके और interests क्या हैं? मेरे बहुत बहुत interests हैं. जैसे मैंने शुरू में कहा, मेरे तो films मेरी अभी भी हैं. I see films with great interest, with great critical, you know, interest as such, you know. बड़ी मेगा फिल्म आती है तो मैं उसको I tear it to pieces, you see. मुझे बड़ा मजा आता है उसमें, because it's a healthy criticism. So your area of interest, one of your main areas of interest is film, which means that you're basically a creative person, and architecture is about creativity. You know, all these arts are interlinked, I think. You know, they are, you know. जैसे मुजफ्फर अली शाह, मुजफ्फर हुसैन ना, जिन्हें उमराव बनाई. अब उनके इंटरेस्ट देखते हैं, बहुत से हैं. वो फैशन में भी हैं, यू नो, ज्वेलरी डिज़ाइन में भी हैं, आई थिंक आर्किटेक्चर में भी हैं. तो ये हर एक का होता है, यू नो. And I'm a very tidy person. I like things order, you know. This jab main shehar ko dekhta hu to mujhe bada untidy lagta hai. I like it to be orderly, ki hamari streets proper ho, hamari lighting proper ho, hamari vehicle hoardings na ho sadkon ke upar. To matlab ye to aapka ye jo ek point of view on Karachi hai, what do you think Karachi, where is Karachi today and 20 saal mein Karachi kahan hoga? Agar is तरीके से हम चले, जैसे होर्डिंग की बात कर रहा हूँ, एक छोटी सी बात कर रहा हूँ, और किसी पिछली अखबार में आया था जी कि बायलॉज बने हैं कि 30 फुट छोड़ के एक होर्डिंग होनी चाहिए. तो आप इमेजिन करें कि अगर एयरपोर्ट से लेकर मेट्रोपोल तक आते हैं और 30 फुट पर लगाएं, तो ये एक कतार बन जाएगी होर्डिंग्स की. एंड दे विल बी, हम क्या देखेंगे, हमारी बिल्डिंग तो यही लगा रही, हमारी दर्द लगे हैं, हमारी ग्रीनरी है, इट विल बी ऑब्लिगेटेड, यू नो, कोई देख नहीं पाएगा. फ्लैट्सों से क्या देखते हैं कि हमको होर्डिंग का बैक नजर आता है. इट स्टॉप्स आवर व्यू. इन्वायरमेंट के लिए कितनी बुरी चीज़ है ये, इन्वायरमेंट के लिए. एंड पीपल, मल्टीनेशनल्स, यू नो, आई ब्लेम मल्टीनेशनल्स एंड दिस बैंक्स, जो फॉरेन बैंक्स हैं, लोकल बैंक्स हैं, जो हजारों और करोड़ रुपये खर्च करते हैं इनके ऊपर, पब्लिसिटी के ऊपर. वो अगर किसी तरह और से करें, मीडिया से करें,
टेलीविजन है, प्रिंट मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, डू वी हैव टू प्लास्टर दीज थिंग्स ऑन आवर फेस, ऑन आवर स्ट्रीट्स? व्हाट अबाउट सेफ्टी? ओह, अभी रिसेंटली एक होर्डिंग गिरी मेट्रोपोल के पास और बिल्कुल बेचारे की गाड़ी थी वो दब गई. तो यू कैन इमेजिन इफ ये इनको तो भूल जाए रीटा और कैथरीना को, मगर एक को स्ट्रॉन्ग हिट करेगा कराची की सारी होर्डिंग हवा में उड़ेगी एंड इट विल डू ट्रेमेंडस डैमेज, ट्रेमेंडस डैमेज. अच्छा, लेट मी कम बैक टू यू. यू अर्लियर मेंशन दैट यू नेवर मैरिड एंड बिकॉज़ यू आर वेरी कमिटेड टू व्हाट यू डू एंड स्टफ, डू यू रिग्रेट दैट? Why would you say selfish? Selfish because I want to do things my way. Marriage is a big commitment, I think. You know, I've seen my friends who are married. They have obviously broken marriages, whatnot. But I can't stand. तो क्या ख्याल है? आप क्या समझते हैं कि आपको एक ऐसी खातून नहीं मिल सकती थी जो आपको सपोर्ट करती है अपने प्रोफेशन में और मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे सेटिस्फेक्शन मिलती है. मेरे आई हैव वेरी आई एम वेरी लकी दैट आई हैव वेरी वेरी गुड सर्कल ऑफ फ्रेंड्स यू नो आई एम एंजॉय. बट आई मस्ट से आई मस्ट गिव यू क्रेडिट, मैं आपकी ये दाद दूंगी कि बहुत कम लोग हैं जैसे आपकी तरह जो सोचते हैं कि जी मैंने एक अपनी ज़िंदगी में एक कमिटमेंट उठाई हुई और मेरा फोकस ये है और मैं समझता हूँ कि और कोई मेरे साथ ये शायद रूट चल ना सके तो मैं किसी और की ज़िंदगी क्यों ख़राब करूँ. So it's a interesting way to look at it. Yeah, that's one way of looking at it. But I have looked at it in a very totally different way. I mean, you know, I think marriage is a wonderful, क्या कहते हैं? Institution. एक relation होता है जो आप, you know, जो उसको develop करते हैं. Then you have children. And I was not in favor of having children. Why? No, because I think children is a big commitment, you know, it's a big, big commitment. And with my way of working and with my selfish attitude, I think there would have been a big clash over there. So, do you, aapko kya ek void lagta hai? Do you miss the fact that you have no children? I have my my sister's children. I have Adil working for me. He's my sister's son. He's studied architecture and I think he'll take over from me. So that will give me a big satisfaction. So there's no void there as such, you know. We're a very close-knit family, you know, my brother, my sister, my cousins, you know. And we all live within sort of a 10 minutes sort of a driving radius. And I'm very happy with what I'm doing. And I wish Allah would be grateful and give me more time and life to, you know, to carry on. And thank you very much for having me on your show. आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दी कि हम आपके घर आए एंड वी कंडक्टेड दिस इंटरव्यू विद यू विच वाज एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग एंड इनलाइटनिंग एंड मुझे यकीन है कि हमारे जो नाज़रीन आज इंटरव्यू देख रहे हैं उन्होंने भी बहुत कुछ आर्किटेक्चर के बारे में आपके थ्रू सीखा होगा. एंड एक चीज़ तो बहुत वाजे हुई है आज के जो लोग आर्किटेक्चर में आना चाह रहे हैं मस्ट अंडरस्टैंड कि इट्स एन एक्सट्रीमली सीरियस एंड प्रोफेशन एंड इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ कमिटमेंट. And of course, there are people like Habib Saab who live in Pakistan who have done such tremendous work for this country. Inshallah, agli hafte phir mulaqat hogi. Allah Hafiz.